परिचय। प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जिससे सब परिचित हैं। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनमें मुख्य है सूर्य। जीने के लिए जरूरी ऊर्जा हमें इसी से मिलती है। इसके बिना, जैसा कि हम जानते ही हैं, जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। ऊर्जा का वो रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रकाश को परिभाषित करना, प्रकाश की प्रकृति को समझना, साधारण दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझना, परावर्तन के नियम, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर करना, प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोत। ऊर्जा का वह रूप जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, ये हमें दृश्य बोध उत्पन्न करता है। प्रकाश के दो स्रोत हैं, चमकीली वस्तुएं और गैर चमकीली वस्तुएं। चमकीली वस्तुएं, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश छोड़ती हैं, चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। गैर चमकीली वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं, गैर चमकीली वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज इत्यादि। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा अन्य अनेक पहलुओं के बारे में जानने के लिए प्रकाश के सिद्धांतों के आधार पर उसकी प्रकृति को समझना होगा। प्रकाश की प्रकृति के दो सिद्धांत हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत तथा प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित होता है, जिन्हें प्रवर्धन के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके अभिलक्षण चिन्ह हैं विवर्तन, निष्कर्ष एवं ध्रुवीकरण। प्रकाश का कण सिद्धांत। प्रकाश ऐसे कणों से निर्मित होता है जो अत्यंत तीव्र गति से एक सरल रेखा में चलते हैं। इसके अभिलक्षण चिन्ह हैं परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। प्रकाश का स्वभाव दोहरा होता है। प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भेजा जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चमकदार सतह वाली वस्तुएं खुरदुरी और धुंधली सतह वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश परावर्तित करती हैं। चांदी प्रकाश की सर्वोत्तम परावर्तक है। सपाट सतह से परावर्तन। सपाट दर्पण कांच का एक पतला, समतल और चिकना फलक होता है, जिसके एक ओर रजत धातु की चमकीली परत चढ़ी होती है। इस रजत परत को लाल पेंट के द्वारा संरक्षित किया जाता है। आकृति को समझने के लिए आवश्यक पदों के अर्थ निम्नलिखित हैं। आपतित किरण, प्रकाश की वो किरण जो दर्पण की सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतन बिंदु, दर्पण पर आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, दर्पण द्वारा प्रकाश की जिस किरण को वापस भेजा जाता है, वह परावर्तित किरण कहलाती है। सामान्य, दर्पण की सतह के आपतन बिंदु पर स्थित समकोण की रेखा को सामान्य कहते हैं। यह एक ऐसी रेखा है जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंबवत स्थित होती है। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, जब समतल दर्पण के सामने
कोई वस्तु रखी जाती है, तब वस्तु का दाहिना पार्श्व दर्पण के बाईं ओर और बायां पार्श्व दर्पण के दाहिनी ओर प्रतीत होता है। किसी वस्तु के पार्श्वों और उसके दर्पण प्रतिबिंब का यह परिवर्तन पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। समतल दर्पण के संबंध में अभिलक्षण और उपयोग। किसी समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षण। ऐसा प्रतिबिंब आभासी होता है, ऐसा प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार जितना ही होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण में पीछे उतनी ही दूरी पर होता है। ऐसा प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण के उपयोग। इनका उपयोग स्वयं को देखने के लिए किया जाता है। इन्हें विशिष्ट दुकानों जैसे सुनार की दुकान की अंदरूनी दीवारों पर उन्हें अधिक बड़ा दिखाने के लिए लगाया जाता है। समतल दर्पणों का प्रयोग परिदर्शी बनाने में किया जाता है। इनका प्रयोग व्यस्त मार्गों के तीव्र मोड़ों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण का प्रयोग आईने के तौर पर किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग सौर कुकर में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग कैलिडोस्कोप यानी रंगीन कागज से सुंदर आकृतियां बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला एक खिलौना, कांच के टुकड़े या छोटे छोटे मनके बनाने में किया जाता है। परावर्तन के नियम। परावर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य, ये सब एक ही समतल पर स्थित होते हैं। परावर्तन का द्वितीय नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। बिंब और प्रतिबिंब में अंतर। बिंब, कोई भी वस्तु जो प्रकाश किरणें उत्सर्जित करती है बिंब कहलाती है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब एक प्रकाशिक प्रकटन है जो किसी बिंब से उत्सर्जित हो रही प्रकाश किरणों के किसी दर्पण द्वारा परावर्तित होने से उत्पन्न होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे दर्पण पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उदाहरण, सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब, यह किसी अवतल दर्पण द्वारा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। उदाहरण, किसी समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब, यह किसी अवतल दर्पण द्वारा बनता है। क्या आप जानते हैं दिखाई देने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 380 से 740 नैनोमीटर के मध्य होता है और इसकी आवृत्ति 405 टेराहर्ट्ज से 790 टेराहर्ट्ज के मध्य होती है। प्रकाश जो कि फोटोन नामक नन्हे पैकेटों में निकलता और अवशोषित होता है, तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। यह गुण तरंग कण द्विविधता कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की गति ठीक 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड आंकी गई है। प्रकाश उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाएं हैं नगण्यीकरण या सिंटिलेशन, इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंस, ट्राइबोल्यूमिनिसेंस, चेरेंकोव विकिरण। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है।
किसी वस्तु द्वारा उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का वापस भेजा जाना परावर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की दिशा परिवर्तित हो जाने को अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण द्वारा सामान्य के साथ बनाए गए कोण को आपतित कोण कहते हैं। परावर्तित किरण द्वारा सामान्य के साथ आपतन बिंदु पर बनाए गए कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें जब किसी दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब बनता है। परिचय। जब हम कमरे में चारों ओर नजर घुमाते हैं तो हम अधिकांश वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के अभिसारित यानी समानांतर प्रकाश किरणों को निकट लाना अथवा अपसरित यानी समानांतर प्रकाश किरणों को बिखेर देना इस क्रम में देखते हैं। अभिसरण और अपसरण की यह परिघटना गोलीय दर्पणों द्वारा होती है। वक्राकार पृष्ठ वाले दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। गोलीय दर्पणों को परिभाषित करना, गोलीय दर्पणों के प्रकारों को समझना, गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रकाश परावर्तन को समझना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के मध्य अंतर कर पाना। प्रतिबिंब कैसे बनाएं? दर्पणों की संकेत परिपाटी को जानना। आवर्धन को परिभाषित करना। वक्रित पृष्ठों का परिचय। गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पृष्ठ के झुकाव पर परावर्तन होता है अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें पृष्ठ के उभार पर परावर्तन होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पणों को समझने के लिए आवश्यक बातें। वक्रता केंद्र। यह कांच के उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण होता है। ध्रुव। गोलीय दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाता है। मुख अक्ष। वक्रता बिंदु तथा ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण का द्वारक। दर्पण का वो भाग जहाँ परावर्तन होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष का वो बिंदु जिस पर परावर्तित होने के बाद सभी प्रकाश किरणें समानांतर तथा अभिसरित हो जाती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी। यह ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी होती है। अवतल दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। वक्रता। त्रिज्या और फोकल दूरी के मध्य का संबंध F बराबर R बटे 2 होता है। नियम एक। वह प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर है इसके फोकस से होकर गुजरती है और दर्पण से परावर्तित होकर। नियम दो। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण वैसे ही पथ पर वापस परावर्तित होती है। नियम तीन। फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अक्ष के समानांतर हो जाती है। नियम चार। ध्रुव पर आपतित हुई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ वैसा ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। जब बिंब ध्रुव P
तथा फोकस यानी एफ के मध्य रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे आभासी और सीधा, बिंब की अपेक्षा बड़ा यानी आवर्धित। जब बिंब फोकस यानी एफ पर रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है। अनंतता पर वास्तविक और उल्टा अत्यधिक विवर्धित। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। जब बिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र से परे वास्तविक और उल्टा, बिंब की अपेक्षा बड़ा। जब बिंब वक्रता केंद्र यानी सी पर रखा गया हो तब प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र यानी सी पर वास्तविक और उल्टा उसी आकार का। जब बिंब अनंतता पर हो तब प्रतिबिंब बनता है। फोकस पर वास्तविक और उल्टा, बिंब की अपेक्षा छोटा। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है टॉर्चों, वाहनों, हेडलाइटों और सर्च लाइटों में परावर्तक के तौर पर। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण में। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। उत्तल दर्पणों द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। नियम एक, किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष की समांतर किरण दर्पण की ओर से आती हुई प्रतीत होती है। नियम दो, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जा रही किरण उसी पथ के द्वारा परावर्तित होती है। नियम तीन, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जा रही किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम चार, ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ उसी माप का कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होती है। किसी प्रतिबिंब में निम्नलिखित विशेषताएं सदैव पाई जाती हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह आभासी और सीधा होता है, यह बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का निर्माण। जब बिंब अनंतता पर हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा होता है, बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। जब बिंब ध्रुव और अनंतता के मध्य किसी स्थान पर रखा गया हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और सीधा होता है, बिंब की अपेक्षा छोटा होता है। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पणों का प्रयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के तौर पर पश्च भाग के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। यह सदैव सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है। प्रतिबिंब का आकार छोटा होता है और इसीलिए हम पीछे चल रहे यातायात के विस्तृत क्षेत्र का दृश्य देख पाते हैं। दर्पण सूत्र और गणनाएं। प्रतिबिंब दूरी यानी वी, बिंब दूरी यानी यू और फोकल दूरी यानी एफ के मध्य का संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है। एक बटा वी जमा एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, जहां यू दर्पण से बिंब की दूरी है, वी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है और एफ दर्पण की फोकल दूरी है। गोलीय दर्पणों के लिए संकेत परिपाटी। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की ही दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ऊर्ध्वगामी और लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं।
नीचे की ओर तथा लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं, तो प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया में जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक कोण पर गुजरती हैं, तो वे तिरछी हो जाती हैं। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। विरल से सघन माध्यम। जब प्रकाश किरणें विरल से सघन माध्यम की ओर गमन करती हैं, तो प्रकाश का वेग सघन माध्यम में घट जाता है, इसलिए प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर तिरछी हो जाती हैं। सघन से विरल माध्यम। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम की ओर गमन करती हैं, तो प्रकाश का वेग विरल माध्यम में बढ़ जाता है, इसलिए प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर तिरछी हो जाती हैं। अपवर्तनांक। प्रकाश का वेग विभिन्न पदार्थों में भिन्न होता है, इसलिए विभिन्न पदार्थों में प्रकाश को तिरछा करने या अपवर्तित करने की विभिन्न क्षमताएं होती हैं। पदार्थ की इस मोड़ने की क्षमता को उस पदार्थ के अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। एक माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश के वेग से दिए गए माध्यम में इसके वेग का अनुपात होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम की तुलना में कम होता है। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर दो माध्यम को पृथक करने वाले तल का अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। द्वितीय नियम, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल के नियम के रूप में भी जाना जाता है। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, जहां म्यू स्थिरांक है जिसे अपवर्तनांक कहा जाता है। स्नेल का नियम उस समय लागू नहीं होता है जब किरण अभिलंब के समांतर आपतित होती है। आयताकार ग्लास स्लैब से होकर अपवर्तन। अपवर्तनांक n वाले पदार्थ से बने एक आयताकार पारदर्शी स्लैब पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण PQ वायु से बिंदु Q पर प्रवेश करती है। ये किरण कांच स्लैब की ऊपरी सतह पर अपवर्तित होती है और स्लैब के भीतर QR के साथ जाती है। R बिंदु पर ये पुनः अपवर्तित हो जाती है और वायु में निकलती है। स्नेल के नियम से बिंदु Q पर n बराबर साइन आई बटा साइन आर, बिंदु R पर n बराबर साइन ई बटा साइन आर, समीकरण एक और दो से हमें प्राप्त होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर साइन ई बटा साइन आर। ये देता है आई बराबर ई। इसलिए जब प्रकाश की किरण समानांतर पार्श्व वाले पारदर्शी स्लैब के माध्यम से गुजरती है, तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, लेकिन ये विस्थापित होती है। ये विस्थापन स्लैब की मोटाई के समानुपातिक होता है। गोलीय लेंसों से अपवर्तन। लेंस वक्रित दर्पणों के समान प्रतिबिंब निर्मित करते हैं, लेकिन वे ऐसे प्रकाश को अपवर्तित करके करते हैं। लेंसों का रूप या तो उत्तल या अवतल होता है। उत्तल लेंस मध्य में सर्वाधिक मोटे होते हैं। अवतल लेंस किनारों के आसपास सर्वाधिक मोटे होते हैं। अधिकतर लेंस कांच के बने होते हैं और उनकी सतह गोलीय होती है। उत्तल लेंस के माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की ओर तिरछी हो जाती हैं, जबकि अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से दूर तिरछी हो जाती हैं।
उत्तल लेंस के माध्यम से गुजरने वाली किरणें बिंदु F पर अभिसरित होती हैं। अवतल लेंस से गुजरने वाली किरणें अपसरित होती हैं, जैसे कि वे बिंदु F से बाहर की ओर गमन कर रही हों। F लेंस का मुख्य फोकस है और F से P की दूरी फोकस दूरी कही जाती है। गोलीय लेंस के लिए किरण आरेख बनाने के नियम। नियम एक, लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस के माध्यम से बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। नियम दो, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस से निर्गत होने के बाद F से होकर गुजरती है। नियम तीन, F डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से निर्गत होते समय मुख्य अक्ष के समांतर होती है। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, तब प्रतिबिंब दूसरी ओर मुख्य फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी एवं छोटी होती है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है और किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती हैं, तब वस्तु के सापेक्ष लेंस के विपरीत पक्ष पर फोकस तल पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी और अत्यधिक छोटी होती है। जब वस्तु को 2F से दूर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब विपरीत पक्ष पर F एवं 2F के बीच बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी और छोटी होती है। जब वस्तु को 2F पर रखा जाता है, तब प्रतिबिंब विपरीत पक्ष पर 2F ही बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी और समान माप की होती है। जब वस्तु को 2F एवं F के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब विपरीत पक्ष पर 2F से दूर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी और विवर्धित होती है। जब वस्तु को F पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टी और विवर्धित होती है। जब वस्तु को F एवं प्रकाशिक केंद्रों के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब उसी पक्ष पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी और वर्धित होती है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। जब वस्तु K को अनंत पर रखा जाता है, तो F पर समान पक्ष की ओर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी और अत्यधिक छोटी बिंदु साइज होती है। जब वस्तु को किसी दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब समान पक्ष पर प्रकाशिक केंद्र एवं F के बीच बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी और छोटी होती है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी नियम निम्नलिखित प्रकार से हैं। नियम एक, सभी दूरियों का मापन प्रकाशित केंद्र से किया जाता है। नियम दो, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। नियम तीन, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक एवं मुख्य अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नियम चार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंसों द्वारा उत्पन्न आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h 2 बटे बिंब की ऊंचाई h 1, m बराबर h 2 बटे h 1। समीकरण एक।
यदि आवर्धन में धनात्मक चिन्ह है तो प्राप्त प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। यदि आवर्धन में ऋणात्मक चिन्ह है तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होता है। एम बराबर वी यानी प्रतिबिंब दूरी बटे यू यानी बिंब दूरी। समीकरण एक एवं दो को जोड़ने पर हम पाते हैं एच दो बटे एच एक बराबर वी बटे यू। दर्पण में रेखीय आवर्धन एम बराबर घटा वी बटे यू और लेंस का एम बराबर वी बटे यू होता है। लेंस की शक्ति। किसी लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों के अपसरण अथवा अभिसरण के परिमाण के माप को लेंस की शक्ति कहते हैं। उत्तल लेंस स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश पुंज को अभिसरित करता तथा उन्हें प्रकाशिक केंद्र पर फोकस करता है। इसमें अधिक शक्ति होती है। अवतल लेंस स्वयं पर पड़ने वाले प्रकाश पुंज को अपसरित करता है और इसे कम शक्तिशाली बनाता है। लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति को उसकी फोकल दूरी के व्युत्क्रम के रूप में मीटर में परिभाषित किया जाता है। लेंस की शक्ति बराबर एक बटे फोकल दूरी। आवश्यक बिंदु। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है, अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। लेंसों के संयोजन की शक्ति। यदि कुछ लेंस निकट संपर्क में रखे जाते हैं तो लेंसों के संयोजन की शक्ति लेंसों की निजी शक्ति के बीज गणितीय योग के बराबर होती है। P बराबर पी एक जमा पी दो। किसी लेंस की शक्ति की SI इकाई डायोप्टर होती है। इसे D अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या आप जानते हैं प्रकाश अपने पथ में बिंबों पर भौतिक बल लगाता है। प्रकाश बल प्रकाश पुंज की शक्ति को प्रकाश की गति सी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। ऋग्वेद में लिखा है कि प्रकाश तीन प्राथमिक रंगों पर आधारित होता है। तीनों रंगों के मिश्रण से ही दृष्टि के सभी बिंब बनते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अवतल दर्पण में परावर्तन पृष्ठ के झुकाव में होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कांच के खोखले गोले की त्रिज्या होती है और दर्पण उसका एक भाग होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है। प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जिस पर कम से कम दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को परस्पर काटती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर भट्टियों को गर्म करने के उद्देश्य से सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। बिंब दूरी यानी यू दर्पणों में सदैव नकारात्मक होती है। वह